Hey guys, welcome back to my channel and welcome back to my second last video of this series. इसके बाद मैं एक और बनाने वाली हूँ and I'm done for this series because today is my last day as a pregnant lady. Yes, I'm going tomorrow for the delivery. और मुझे actually कल ही पता चला कि कल last day है because there is some complication in my delivery. मेरे गायनो ने मुझे suggest किया कि मुझे एक दो दिन में ही डिलीवरी कर लेनी चाहिए. नर्वसनेस भी है और एक्साइटमेंट भी है ऑफ कोर्स, क्योंकि पूरे 9 महीने दिन का वेट किया है कि कब वो दिन आए और आई बी मदर सून. मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आराम से बना लूँगी वीडियो, क्या जा रहा है, आराम करो, चिल करो, बट कल मुझे एकदम से ऐसे शॉक सा मिला कि नहीं, आपको जल्दी से करना है. आई विश सब ठीक रहे कल. आई एम एक्चुअली नर्वस. तो मैंने सोचा कि चलो, मुझे बैग पैक करना ही था जो मुझे ऑलरेडी कर लेना चाहिए था. मैं सोचूं कि वीडियो भी बन जाएगी. सॉरी, मुझे कोल्ड हो रहा है और मेरा बैग पैक भी हो जाएगा. इफ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब इट. या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मेरे पास टाइम भी नहीं है, सो क्विकली स्टार्ट द वीडियो. Video is the hospital bag for the mother and for baby. I'll make another video because ये बहुत लंबा actually video हो जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ separately ही बनाऊँ. तो सबसे पहले एक bag हम लेंगे mother के लिए. ये bag actually मैंने नया नहीं लिया, पुराना ही है और I just like my bag क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा pink bag है, peach color which is my favorite. तो आप कोई भी bag ले सकते हो, matter क्या करता है सामान. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैटरनिटी पैड से, क्योंकि आपकी डिलीवरी होगी तो सबसे पहले आपको पैड ही लगते हैं. वैसे तो हॉस्पिटल वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, बट मैंने सोचा कि कुछ अपने हिसाब से ले लूं. तो मैंने ये 3 पैक था विच इज़ फ्रॉम क्लोविया. और ये एक्चुअली पैड नहीं है, दिस इज़ काइंड ऑफ अ डायपर. मतलब आप उसको पूरा पहन सकते हो. मतलब बच्चे के डायपर तो लिए ही है, मैंने अपना भी डायपर ले लिया. What? So this is the first time I will be using it and इसका मैंने एक्चुअली बहुत अच्छे रिव्यूज पढ़े थे Amazon में कि बहुत अच्छे रहते हैं. और सबसे बड़ी बात, आपको पैंटी वेंटी का झंझट नहीं रहता. तो ये 3 का ही पैक आया था, बट इसके साथ साथ मैंने एक और पैड लिया है विच इज, ये तो प्रॉपर मैटरनिटी पैड ही है, इसका नाम भी यहाँ पे लिखा है मैटरनिटी पैड. इसमें 14 पीसेज है और इसमें एक्चुअली 2 का पैक है, तो ये 2-2, 3 पैक है तो 6 है. और ये पूरा प्रॉपर जो एक बड़ा वाला जो मैटरनिटी पैड होता है ना, वो है ये. तो मैंने सोचा कि दोनों ही ले लेती हूँ. मुझे नहीं पता मुझे दोनों में से कौन सा सूट करेगा. होता है ना कि मतलब उस टाइम पे अगर तुम्हें कुछ अनकम्फर्टेबल लग रहा है तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं होता. तो मैंने दोनों ही ले लिए. तो मैं कुछ ये ले जाऊंगी और एक पैकेट ये ले जाऊंगी, तो दोनों ही यूज़ हो जाएंगे मेरे. तो लेट्स सी दोनों में से मुझे कौन सा कंफर्टेबल लगता है, तो वही मैं यूज़ करने वाली हूँ. मैटरनिटी पैड है तो वो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ मैं. तो ये तो सिर्फ सबसे इम्पॉर्टेंट जो चाहिए जब आपका बेबी होता है. दूसरा इम्पॉर्टेंट है मैटरनिटी ब्रास, जो फीडिंग ब्रास होती है. वैसे मैंने सब मोस्ट ऑफ द चीज़ें अमेजोन से ही ली है. तो ये है वो का पैक, दिस इज फ्रॉम CEE18 और इसके भी बहुत ही अच्छे मैंने रिव्यूज देखे थे. तो ये ऐसी वाली ब्रा होती है जो ऊपर से ऐसे खुल जाती है ना, लॉक सा लगा होता है और फिर इसके अंदर ऐसे खाली सा होता है. बट आपको जब फीड करवाना होगा तो आप इसको आगे से ऐसे निकाल दोगे एंड देन यू कैन फीड द बेबी. ये मैंने एक साइज बढ़ा लिया है क्योंकि ऑब्वियसली आपका साइज बढ़ जाता है जब आप प्रेग्नेंट होते हो. सबसे ज़्यादा एक्चुअली ट्रैवल फ्रेंडली होती हैं, तो क्योंकि आप कहीं भी जाते हो ना, तो इट्स वेरी यू नो कन्वीनियंट, आप फीड करवा सकते हो. और ट्रैवल करने के लिए तो मैं मर ही जा रही हूँ. कोई नहीं, पहले तो फिलहाल अभी यूज़ करके देखते हैं. नेक्स्ट है मैं 2 स्टॉल लेके जा रही हूँ. एक थोड़ा सा हैवी है, मतलब गर्म रहेगा, है तो ये भी स्टॉल ही क्योंकि मुझे कोल्ड तो हो ही रहा है, ये सही रहेगा. उसके अलावा डिलीवरी होती है उसके बाद ऐसा ढकना होता है इन शॉर्ट,
तो उसके लिए ये पतला वाला स्टॉल है, एक्साइटमेंट भी हो रही है और बस भगवान सब ठीक कर दे। जय माता जी। जो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है विच इज़ एक मैक्सी गाउन टाइप में, और जो कि मुझे लगता है वहाँ पहनना बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरी होने वाला है। डिलीवरी हो जाती है आपकी तो आपके पास खुद अपना पहनने का कुछ होना चाहिए, और जब वहाँ से आते हो डिस्चार्ज होते हो तो उसके लिए भी एक कपड़ा चाहिए। वैसे मैंने रख लिया दोनों में से, मुझे लगता है क्या पता एक ही यूज़ हो, दोनों यूज़ भी ना हो, एक तो क्योंकि मैं पहन के ही जाऊँगी तो फॉर द सेफर साइड दोनों में से मुझे जो कंफर्टेबल लग रहा हो। और ये वाली जो मैक्सी थी मैंने आपको दिखाई भी थी इससे पहले वाले वीडियो में जहाँ पे प्रेगनेंसी एसेंशियल था, तो उसमें इसका लिंक विंक सब मैं डाल दूंगी। हाँ, फीडिंग मैक्सी है ये। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ईयरफोन, जो कि मुझे लगता है मैंने बहुत यूज होने वाले हैं, ईयरफोन एंड चार्जर। अगर मैं उस हालत में हुई नॉर्मल हालत में जो कि भगवान होना चाहिए, तो मैं इन दोनों चीज़ों का यूज़ करने वाली हूँ। नॉर्मल होगा तो मैं एक दिन में डिस्चार्ज होने वाली हूँ, अदरवाइज मुझे दो तीन दिन तो लग ही जाएंगे, तीन दिन तो मिनिमम लगेंगे। तो तीन दिन के लिए मुझे चार्जर और हेडफोन चाहिए चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं सबसे पहले मेंशन करना चाहिए था मुझे, विच इज़ माई डॉक्यूमेंट्स, जितने भी मेरे अल्ट्रासाउंड वगैरह हैं वो सारे, और मेरा आधार कार्ड, ये सब मैं इसमें रख के जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले मुझे लगता है अल्ट्रासाउंड वगैरह चेक करेंगे और सब कुछ मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह एडमिट करने से पहले, तो वो सब मैं इसमें रख रही हूँ। आज ही लेकर आई हूँ मैं एक्चुअली पैंटी, तो ये 3 packs ऑफ पैंटी मैं लेके आई हूँ, तो और एक्स्ट्रा लार्ज में लेके आई हूँ, बिकॉज ये जो पैड वगैरह है ना ये बहुत ही मतलब लार्ज है, तो उस फिटिंग वाली अगर मैं पैंटी पहनती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा मुझे अनकम्फर्टेबल होने वाले हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक पैंटी का पैक ही ले लूँ। एक्चुअली हॉस्पिटल के लिए पुरानी पैंटी काम आ जाती है, बट स्टिल मेरे पास उतना मतलब एक्स्ट्रा लार्ज में नहीं थी, तो आई थॉट कि ले लेती हूँ, वो पुरानी होगी वो एक बार के लिए मैं थ्रो कर सकती हूँ, बट ऑब्वियसली नहीं तो मैं नहीं करूँगी। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड, आपके जो जितना भी मेकअप तो नहीं कहूँगी, मतलब मॉइस्चराइजर और फेस वॉश और वाइप्स, वेट वाइप्स, मतलब जो मेन चीज़ें हैं जो मुझे लगता है ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सारी जो छुटपुट चीज़ें मैं सब इसमें रख दूंगी, रबर बैंड वगैरह सब। लास्ट तो नहीं कहूँगी, हाँ एक थोड़ी सॉक्स भी रख ली है मैंने, और हॉस्पिटल में तो एसी ही चलते हैं तो मैं तो वैसे ही पूरा कोल्ड हुआ पड़ा है, तो एक पेयर ऑफ सॉक्स मैंने रख लिए हैं। एक्चुअली वीडियो के बाद में मुझे खुद भी याद आता रह रहा है कि हाँ ये रखना है, तो मैं रख रही हूँ चीज़ें विच इज स्नैक्स, ये मैंने रख लिए हैं डेट्स। वैसे तो हॉस्पिटल सब कुछ प्रोवाइड करेगा, पर होता ना कई बार तुम्हें खुद लगता है कि कुछ छुटपुट खाने का मन करे, वो मैं ले जा रही हूँ। एंड ये है कुकीज़, ऑल टाइम फेवरेट, मुझे कभी भी कुकीज़ दे दो, बिस्किट दे दो, मैं खा लेती हूँ। दिस इज ऑल वी नीड। और एक हाँ झंडू माम रह गया ये तो खैर मैं अपनी पर्सनल लेके जा रही हूँ ऐसा कुछ नहीं, झंडू बम लेके जाना होता है आपको, क्योंकि मुझे कोल्ड है तो मैं लेके जा रही हूँ, और अभी भी मुझे कुछ याद आएगा सुबह तक, जो कि आएगा ऑब्वियसली, तो मैं रख दूंगी। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड बहुत जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। सो या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप यू पीपल लाइक इट, एंड टेल मी इफ एनीथिंग विच इज लेफ्ट, मतलब मैं तो जा ही रही हूँ कल, बट हाँ नेक्स्ट टाइम किसी को जाना हो डिलीवरी से पहले तो कुछ और ऐड कर सकते हैं, ताकि बाकी बाद में भी कोई ये वीडियो देखे और किसी को लगता है कि हाँ ये चीज़ ऐड होनी चाहिए। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप सब ठीक रहे। माता रानी, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, आई डोंट नो कब मैं बनाने वाली हूँ महीने मास जब भी मैं आपको मिलूंगी। सो या सी यू सून, एंड बी पॉजिटिव, डोंट फॉरगेट टू स्माइल, बाय।